पूरी हेलो, आवाज पहुंच रही है आप लोगों के पास? प्रिंस डिंगर, यस सर, आ रही है सर। अभी प्रेजेंटेशन के बाद कोई क्लास तो नहीं है? क्लास के बाद कोई दूसरी क्लास तो नहीं है? सर इसके बाद मुकेश सर बोल रहे थे, आज तो सर पैक लग रहा है सर। मुकेश सर बोल रहे थे, मुकेश सर के बाद मैकेट्रॉनिक्स की फिर एचटी की है सर आज तो। अच्छा, मगर ठीक है, तो प्रेजेंटेशन कब दोगे आप? दे दोगे? सर हाँ सर, कल दे देते हैं सर, आज 3 बजे सर उठ गया। ठीक है, कल दे देना। तो देखो, यहाँ पे ये फार्मूला मैंने बताया था आपको, तो ये टी इक्विवेलेंट हो गया। अब देखो, ट्विस्टिंग का भी इक्विवेलेंट आ रहा है किसके टर्म में? बेंडिंग मोमेंट के टर्म में और टॉर्क के टर्म में, ठीक है ना? ट्विस्टिंग इक्विवेलेंट मोमेंट, ये भी वही चीज। 10 मिनट और बाकी है, 10 मिनट के बाद ओवर हो जाएगा। अटेंडेंस आप लोग लगा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट हो गया, ठीक है ना? लिखा हुआ इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट बोलते हैं इसे। ये एम क्या है? बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है ना? टी क्या है? टॉर्क है। इसके टर्म में ये फार्मूला, इसका डेरिवेशन आता है 5-6 नंबर का आएगा, जो भी है, ठीक है ना? बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, यहाँ पे पढ़ रहे थे, अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, या मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी भी इसे बोलते हैं, इसे रंकाइन थ्योरी भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मटेरियल का फेलियर क्या होता है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस से होता है, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस से होता है, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी से होता है। 5 तरह की थ्योरीज हैं जिसके थ्रू मटेरियल फेल होता है, ठीक है ना? तो मैक्सिमम केस में डक्टाइल मटेरियल जो होता है उसमें शियर स्ट्रेस की वजह से फेलियर होता है, इसलिए उसमें गेस्ट थ्योरी पढ़ते हैं। गेस्ट थ्योरी जो अभी पढ़ा है हमने, ये क्या है? मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी है, जिसे रंकाइन थ्योरी कहते हैं। अब देखो, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, ये किस में पढ़ा होगा? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। प्रिंसिपल स्ट्रेस जब भी निकालते थे, σ1, σ2 इज इक्वल टू, ठीक है, ये कोई स्ट्रेस σx है डिवाइडेड अपॉन 2 ± ठीक है, हाफ अंडर रूट ऑफ, देखो σx का होल स्क्वायर, ये सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर है, सिग्मा ई, ठीक है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई लेते थे वहां पे, ठीक है ना? यहाँ पर भी सिग्मा एक्स प्लस, कुछ मुझे तो याद नहीं आ रहा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अंदर होगा शायद, ठीक है ना? इनका होल स्क्वायर लेते थे। तो मैं एक सिंपल फार्मूला बता रहा हूँ, जो फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना? सिग्मा मान लो प्रिंसिपल स्ट्रेस इज इक्वल टू, दिया निकालना, प्रिंसिपल स्ट्रेस जो होता है आपका प्रिंसिपल प्लेन पे लगता है, ठीक है ना? लोकल, देखो इस तरह से कोई मटेरियल है तो इस तरह के जो स्ट्रेसेस लग रहे हैं सिग्मा एक्स एंड इधर कोई सिग्मा वाई, ठीक है ना? ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस नहीं है, ये नॉर्मल स्ट्रेसेस है। जहां पे फेलियर होता है मटेरियल, ये प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो स्ट्रेस लगेगा वो सिग्मा लगेगा, वो प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा, ठीक है ना? ये फेलियर 45 डिग्री पे होता है, ठीक है? तो ये जो स्ट्रेस आता है ये प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है। ये तो लोकल स्ट्रेसेस है, एक्सियल स्ट्रेसेस है। इसी तरह से अगर सपोज करो कोई मटेरियल हमारे पास है, ये इस पे केवल एक ही स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा, इधर भी सिग्मा सेम लगेगा, ठीक है ना? क्योंकि क्या करते हैं, एक साइड में फिक्स कर देते हैं, दूसरे साइड में खींचते हैं, तो ये खींचने का एक्शन का रिएक्शन आता है सेम सिग्मा, तो फेल होगा इस तरह से 45 डिग्री पर। इस लाइन के परपेंडिकुलर जो स्ट्रेस आएगा वो प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा, ठीक है ना? σ1, तो इस तरह से देखते हैं उसमें। सर ने पढ़ाया होगा अच्छी तरह से, आपको समझ में आएगा तो पता चल जाएगा। अब क्या होता है, देखो यहाँ पे हम प्लस साइन इसलिए लेते हैं, हमें मैक्सिमम स्ट्रेस देखनी है, माइनस को लेना ही नहीं है, जो सिर्फ प्लस माइनस आप देखते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है, सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू हाफ सिग्मा बी डिवाइडेड अपॉन टू, क्योंकि सिग्मा बी मैक्स नहीं है, ये मैक्स है, तो सिग्मा बी डिवाइडेड अपॉन टू प्लस लिया हाफ सिग्मा बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना? प्लस 4 टाइम्स टाउ स्क्वायर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फार्मूला बना सकते हैं। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी इसी तरह के फार्मूला पे डिपेंडेंट होता है। अब देखो इसमें, देखो एक चीज और इम्पोर्टेंट है, देखो ये जो है हमारा, ये पूरा पोर्शन टी इक्विवेलेंट के कॉमन है, जो हमारे पास आ रहा था टाउ मैक्स आ रहा था, टाउ मैक्स इज इक्वल टू इसके कॉमन है, मतलब इसके इक्वल है, सीधी सी बात है, ये इक्वल है टाउ मैक्स के, जो फार्मूला पीछे लिखा था मैंने, इसके इक्वल है, कोई नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या है,
ये फार्मूला लिख दिया है, फार्मूला है, रटने वाला फार्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें इसमें रटना है, यहाँ पे डेरिवेशन वगैरह इसके नहीं करने हैं। तो सिग्मा बी की वैल्यू आपको पता है क्या है, 32 मल्टीप्लाई एम डिवाइडेड अपन पाई डी क्यूब, ये पुट कर दिया मैंने, ये हाफ तो यहाँ पे रहेगा ही, अंदर की तरफ सिग्मा बी की वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पर, ये 4 टाइम्स टाउ की वैल्यू पुट कर दिया, तो देखो यहाँ पे इस तरह का फार्मूला आ गया, ये सिग्मा मैक्स की वैल्यू हो गई। अब पाई डी क्यूब को मल्टीप्लाई कर दिया इधर, तो पाई डी क्यूब आ गया यहाँ पे सिग्मा बी के साथ, ठीक है, सिग्मा बी मैक्स के साथ, देखो ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया इधर पाई डी क्यूब, 32 नीचे आ गया, तो ये फॉर्मूला बन गया, ये बच गया आपका हाफ, ठीक है, इन ब्रैकेट एम, तो एम तो रहेगा ही, अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब ये देखो क्या है, ये भी बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला है एम का, उसी के सिमिलर है, बेंडिंग मोमेंट के सिमिलर है, इसे कहते हैं इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट है, पूरा इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे आ गया, एमई जिसे कहते हैं, इसको बोलते हैं एमई, मैं कई बार इसलिए बोल रहा हूँ, बोर्ड पे मुझे बोलना नहीं पड़ता इतना ज्यादा, ठीक है ना, तो एमई हो गया, एमई की वैल्यू इतनी हो गई, तो इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट का भी डेरिवेशन होता है, दोनों एक साथ आता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी से फेलियर जो सॉफ्ट सॉफ्ट में होता है उसकी डिजाइनिंग का फार्मूला क्या है, और उसके लिए दूसरे के लिए क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी की वजह से जो मटेरियल फेल हो रहा है, फेल कैसे होगा, जिसमें बेंडिंग और ट्विस्टिंग दोनों होगा जिस मटेरियल के अंदर, उसको चेक करेंगे तो ये एम ई का फार्मूला बन जाएगा, और टी और एम ई को क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। इसका न्यूमेरिकल है साफ पे, बहुत बड़ा न्यूमेरिकल है जो 20 नंबर का आता है। अब एक न्यूमेरिकल यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना, जो न्यूमेरिकल क्या है, किस पे डिपेंडेंट है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी पे डिपेंडेंट है, जिसको ट्रेस्का थ्योरी भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, और ये रिसर्च में भी यूज होता है, डक्टाइल मटेरियल जो भी फेल होते हैं वो ट्रेस्का थ्योरी के अकॉर्डिंग ही फेल होते हैं। ये सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट, सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट मतलब उसकी एक ही डाया है, ठीक है ना, सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट का मतलब ये देखो दिया हुआ है, तो ये क्या वैल्यू हो गई, एम की वैल्यू हो गई। तो थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, टॉर्क ऑफ इतना, ठीक है ना, टॉर्क बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ है, टॉर्क दिया, इक्विवेलेंट की बात नहीं कर रहा है, द शाफ्ट इज मेड अप ऑफ स्टील का बना हुआ है, ठीक है, ये तो मान लो स्पेसिफिकेशन दे दिया उसका, हैविंग अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट का मतलब सिग्मा यूटी, ठीक है ना, टेंसाइल ये दिया हुआ है, अल्टीमेट में क्या होता है, मटेरियल के फेलियर के चांसेस हो जाते हैं, अल्टीमेट हुआ, यील्डिंग हुआ, इसमें मटेरियल फेल होता है, तो इसके साथ साथ में फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी चाहिए, अल्टीमेट शियर भी दिया हुआ है, अल्टीमेट शियर भी दिया हुआ, इस स्ट्रेस में मटेरियल फेल होता है, ध्यान रखना, तो इसलिए वर्किंग आपको निकालनी पड़ेगी, वर्किंग के लिए हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी चाहिए, तो जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे दिया हुआ है, एज्यूम किया इन्होंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 6, ये अच्छा न्यूमेरिकल है, बहुत सही न्यूमेरिकल दिया हुआ है। तो आपके लिए देखो यहाँ पे क्या है, तो देखो मटेरियल फेल हो रहा है, सर्कुलर शाफ्ट है, केवल ट्विस्टिंग से फेल हो रहा है, ट्विस्टिंग मोमेंट से, तो सीयर फेल्योर के चांसेस ज्यादा है, ठीक है ना, सीयर फेल्योर के चांसेस ज्यादा है। अब इस न्यूमेरिकल में दो तरह से आप सॉल्व करोगे, एक तो बंदा क्या करेगा, बेंडिंग मोमेंट लिखा हुआ है तो बेंडिंग मोमेंट वाला फार्मूला अप्लाई कर देगा, एमई इक्विवेलेंट वाला, ठीक है ना, इक्विवेलेंट वाला। दूसरा बंदा क्या करेगा, टी इक्विवेलेंट वाला अप्लाई कर देगा फार्मूला। तो यहाँ पे दो तरह से फार्मूला अप्लाई किया गया है, हम देखते हैं, देखो यहाँ पे दिया हुआ है सिग्मा टी एंड सिग्मा बी, बेंडिंग के लिए ये सिग्मा बेंडिंग है, ये सीयर, ध्यान रखना दो अलग अलग चीजें हैं। तो वर्किंग क्या हो जाएगा, सिग्मा बी फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे तो ये बेंडिंग के लिए वर्किंग आ जाएगा, या अलाउबल स्ट्रेसेस आ जाएगा सिग्मा ए, ठीक है, बेंडिंग के लिए इसने सिग्मा बी लिख दिया है। अब देखो ये टाउ, वर्किंग टाउ निकालनी है आपको, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करोगे तो ये वर्किंग आ गया, ये भी अलाउबल स्ट्रेसेस हो गया, ठीक है ना। तो जो फार्मूला में मिल रहा है आपको, हाफ मैक्सिमम टाउ मैक्स इज इक्वल टू, देखो टाउ मैक्स मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी अप्लाई कर रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, हाफ अंडर रूट ऑफ सिग्मा बी का होल स्क्वायर प्लस, कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं किसी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, वीडियो सुन लेना आप,
फोर टाइम्स टाउ स्क्वायर, ये हो गया। अब बेंडिंग ये वर्किंग है, तो ये वर्किंग हमारे यहां से यहां तक आ गया। सीयर दिया हुआ है, सीयर यहाँ पे, ठीक है ना, इस वैल्यू को पुट कर दिया इसने, देखो ये हो गया ना। अब देखो ये क्या चीजें हैं, तो ये पुट करोगे टाउ मैक्स आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या किया, टी इक्विवेलेंट निकाला है, एम दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो ये फार्मूला से ये न्यूमेरिकल आ गया, ये वैल्यू आ गया टी इक्विवेलेंट। अब देखो इसमें एक दिक्कत और है, अब इसमें तुम क्या करोगे, मान लो मैंने लगाया टाउ मैक्स आ गया, बट यहाँ पे टाउ मैक्स निकालना नहीं है, पहले क्वेश्चन भी देखना पड़ेगा क्या निकाल रहा है। तो डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ शाफ्ट, डायमीटर ऑफ शाफ्ट निकालना है तो टी इक्विवेलेंट निकालना होगा, तो ठीक है टी इक्विवेलेंट इन्होंने निकाल लिया है, ठीक है। कभी कभार क्वेश्चन करते वक्त कहीं और चले जाते हैं, तो बाद में पता चलता है इसकी तो जरूरत ही नहीं है इस वैल्यू की, जैसे मैं निकाल रहा था अभी टाउ मैक्स, इसकी तो जरूरत है ही नहीं, मैं निकाल रहा था मुझे लगा डी निकालना है, तो डी तो है ही नहीं इसमें, तो वहां से फिर लौटते हैं पीछे की तरफ, अब टी इक्विवेलेंट निकालेंगे।